मंत्री जीएस बाली पंचतत्व में विलीन, चामुंडा नंदीकेश्वर धाम में किया गया अंतिम संस्कार। हिमाचल में दिवाली के बाद बढ़ सकती हैं कोरोना बंदिशें, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिए संकेत। दारचा से आगे सिविल वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित, ग्रामफू से लोसर मार्ग बंद। हमीरपुर में पिता ने अपनी बेटी से किया दुष्कर्म, मां ने दर्ज करवाई शिकायत। हिमाचल में गिरने लगा अधिकतम और न्यूनतम तापमान, एक और दो को बिगड़ेगा मौसम। हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती में 1,87,000 से अधिक ने किए आवेदन। कांगड़ा में थाना देहरा के तहत ब्यास नदी में दो विद्यार्थियों के डूबने की आशंका, नदी किनारे मिले कपड़े। शिमला में पर्यटकों व होटल कर्मचारियों में मारपीट, हॉकी डंडों व रॉड से किया गया हमला। धनतेरस पर महंगाई की मार, धातुओं के दाम बढ़ने से नए बर्तन खरीदना, गरीब की पहुंच से हुआ बाहर। ऊना में कर्नल बनकर बुलाया आर्मी कैंटीन, 2,00,000 रुपए छीनकर हुआ फरार। अगर आप अपने क्षेत्र की कोई समस्या या अन्य कोई खबर सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। आप अपनी न्यूज हमें भेज सकते हैं ewn24news@gmail.com या व्हाट्सएप नंबर 8988765225 पर।